देखिए बात एक फिर से आपका स्वागत है एक्सप्रेस स्पेशल में। अब बात करेंगे तिलदा नेवरा की, जहां सिमगा ब्लॉक के मोहरा गांव में हुए लाखों रुपए के घोटाले के बाद अब फिर से आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आया है। दरअसल गांव में विकास कार्य समेत कई अधूरे कार्यों को लेकर हुई शिकायत पर जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसे लेकर अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार की है और जांच करने वाले अधिकारियों ने कहा है कि यहां विभिन्न मदों से लगभग 9.5 लाख रुपए की गड़बड़ी हुई है। सरपंच और सचिव पर मजदूरों के रुपए के गबन करने का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में खाना बनाने के लिए रखी गई महिलाओं को सरपंच सचिव ने उनके काम का भुगतान भी नहीं किया है। पड़तागे हाँ रात के दे हम सब झन ला बंद रही सब स्कूल में दे रात के जेकर पैसा वाला नहीं थे वहाँ की से 140 देबो ऐसे की रोजी मैं 14 दिन काम करे हमार के रोजी पानी था 140 देबो के है दादा है हमार ला अब देबे नहीं कराते अब कहा था तो सरपंच नहीं जाना वैसे की थे 14 वित्तीय आयोग के तहत उसका विवरण पहले जनता को देना पड़ेगा, फिर तो आप आगे का बजट बनाओगे। 9,40,000 रुपए का बजट 3 महीने में है, 7वां 8वां 9वां में 2020 में, उसका आप विवरण बताइए किसमें कितना खर्च किए हो, क्या हुआ है। आप जब से पद में आए हो उसके बाद से कोई विवरण नहीं है। मोला घुमा कतका दिन रखे मोल एक बीजा चौर नहीं दे पूछ ले गली गली में भीख मांग के खात हम के है दादा वह तोर 4,000 रुपया में है खो के मैं तोर बर बलोक दे जाऊ क्वारंटाइन सेंटर में सर। हाँ जो खाना बनाया है मेरे को मैं बता रहा हूँ सर, अब मैं दे दिया हो ऐसा समझा हूँ, अगर नहीं मिला होगा तो कल मैं दूंगा, पर मैं दे दिया है ऐसा समझ रहा हूँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रमेश बत्रा जुड़ गए हैं। रमेश, जो इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्या कुछ अनियमितताएं देखने को मिली है? अमन, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ सरपंच है जी, वो खुद एक माने अपाहिज है, माने अपाहिज माने विकलांग है जी, लेकिन वो किसी एक लड़की जो विकलांग है जो उसका सिर्फ 200 रुपए की पैसे दे बोल रही हूँ तो मैं मम्मा वो ना दे देती हूँ किसी का पूछी तो मैं बचपन से आप पैसे देख रहा मेरे सामने किसी और को नहीं दोगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पहनना है एक अच्छी भी मोस्टिंग पहन लो और काम हो जाता। 6 लाख रुपए का आज तक कहाँ पे बोर हुआ है ये हिसाब नहीं है, माने कुल मिला के वहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार है टोटल नीचे से ऊपर तक। उसके बाद भी वो न सचिव न सरपंच कुछ भी बात समझने के लिए तैयार नहीं। रमेश, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में स्थानीय ग्रामीण जुड़ गए हैं अंजुर जोशी। अंजुर जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। अंजुर जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि सरपंच सचिव की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, आप वहां के रहवासी हैं बेहतर तरीके से आप जानते होंगे किस तरह की गड़बड़ी की जा रही है उनके द्वारा। हाँ, गड़बड़ी तो किया जा रहा है, जो बच्चों जो पढ़ रहे हैं उसके जाति प्रमाण पत्र के लिए दस्तखत नहीं कर रहे हैं, उनके माँ बाप से को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो 200 रुपये जमा नहीं हुआ है ऐसा करके जी। और कितने समय से ये सिलसिला यूं ही जारी है और इसको लेकर आपने जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगाई? हाँ, मैं तो बोला हूँ और इनके लिए आवाज भी उठाए हैं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए करके, और ये सब मिल करके इसको बोले हैं। चौकी तो अपने आईबीआई का भी हिसाब नहीं देते हैं, बोर्ड तो करवाए हैं लेकिन उसके हिसाब नहीं दिए हैं, और यहाँ तक कोरोना काल में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में पूर्व जनपद सदस्य जुड़ गए हैं पूरन जन स्वामी, बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हाँ जी सर जी। मेरे ख्याल सर सरपंच ने अभी कोरोना के दौरान जी जब से पद ग्रहण किया है कितना वक्त हो गया पद ग्रहण किए हुए? अब सर अब वही 5-7 महीने हो गए सर जी, और उसके दौरान इन लोग 9 लाख रुपए का ऐसा कुछ खर्च किए इन लोग जी, और पिछले बार सचिव बोलते हैं 92,000 रुपए का आज तक खर्चे क्यों करके जी, 92,000 के हिसाब भी नहीं बता पा रहे हो जी, और हम लोग
उससे जानकारी जब लिए सर आगे जाकर शिमला में, तो उसका 9 लाख रुपए जी उन लोग खर्चा कर चुके हैं। वाकई में बड़ी लापरवाही तो है ही, साथ में वहां के जो रहवासी हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो जनता जो परेशान हो रही है उनके हित के लिए आपके द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सर मैडम, ये बच्चे लोग सब जाते हैं जाति वाति प्रमाण पत्र बनाएंगे उसके लिए भी वो पैसा उसके लिए मांग ही करते हैं जी। गांव में कई बार बच्चे लोग हमारे पास भी आए हैं जी, उनको बोलने पर तो बोलता है गांव की समस्या के हिसाब से हम बोल रहे हैं, ऐसा करके बोल देते हैं सरपंच जी। तो सरपंच कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आगे उसके लिए कार्रवाई किए हैं एक दो जगह। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे इस पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि जनता को समस्याओं से निजात मिल सके। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में वहां के ग्रामीण जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया, और संवाददाता रमेश भी जुड़े हुए थे हमारे साथ में। रमेश आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्मार्ट